बठिंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंगका विवादों से पीछा ही नहीं छूट रहा। चुनाव प्रचार के पहले एक सप्ताह में राजा वडिंग को आचार संहिता का उल्लंघन करने का दूसरा नोटिस मिल गया है। ताजा मामला बठिंडा के तहत आने वाले बुरलाडा कस्बे का है। बुरलाडा के सोशल वर्कर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टिंकू पंजाबी ने राजा वडिंग पर 50,000 रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अकाली दल और पंजाब एकता पार्टी ने चुनाव आयोग से राजा वडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजा वडिंग मानसा की कांग्रेस नेता मंजू बाला और रंजीत कौर भट्टी के साथ टिंकू पंजाबी के घर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। सभी का वहां पहुंचने पर स्वागत होता है। राजा वडिंग द्वारा टिंकू पंजाबी के गले में कांग्रेस का साफा डाला जाता है। उसके बाद टिंकू पंजाबी के समर्थकों को कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद टिंकू पंजाबी नोटों के बंडल के साथ बाहर आते हैं और बाहर कैमरों के साथ खड़े पत्रकारों के सामने राजा वडिंग पर रिश्वत देने के आरोप लगाते हैं। टिंकू पंजाबी के हाथ में पकड़े बंडल में 2000 के 25 नोट थे। वायरल वीडियो में राजा वडिंग जल्दबाजी में मौके से भागते भी दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में टिंकू पंजाबी के समर्थक राजा वडिंग के खिलाफ नारे लगाते भी सुनाई दे रहे हैं। टिंकू पंजाबी ने आरोप लगाया कि राजा वडिंग ने इस रकम को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से उपहार बताया था। टिंकू पंजाबी ने दावा किया कि उसने इस रकम को लेने से मना कर दिया था। इस पर राजा वडिंग उस पैसे को रखने की जिद करने लगा। टिंकू पंजाबी ने कहा कि वह बिकाऊ नहीं है। बता दे कि टिंकू पंजाबी का पूरा नाम टिंकू मदान है। 33 साल के टिंकू मदान का अपना कारोबार है। टिंकू मदान मानसा की नेकी फाउंडेशन के भी सक्रिय कार्यकर्ता है। राजा वडिंग ने टिंकू पंजाबी पर बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। राजा वडिंग ने कहा कि वे न टिंकू पंजाबी को पहले से कभी मिले हैं और न ही जानते हैं। राजा वडिंग ने दावा किया कि नोटों का बंडल टिंकू पंजाबी ने अपनी जेब से निकाला था। मंजू बाला ने दावा किया कि टिंकू पंजाबी बार बार राजा वडिंग से मिलाने के लिए फोन कर रहा था, इसलिए सभी उससे मिलने के लिए गए थे। मामले के सामने आने के बाद अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की अगुवाई में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू से मुलाकात की। अकाली दल ने वीडियो के साथ राजा वडिंग की शिकायत करते हुए उसकी उम्मीदवारी को खारिज करने की मांग की। डॉक्टर चीमा ने कहा कि राजा वडिंग ने न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है बल्कि चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण भी किया है, इसलिए राजा वडिंग के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत FIR भी दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बठिंडा लोकसभा सीट के 2 चुनाव अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया है। बुरलाडा के SDM और सहायक चुनाव अधिकारी आदित्य डचलवाल ने बताया कि राजा वडिंग को टिंकू पंजाबी को बुलाकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। बयान दर्ज होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सके। इससे पहले राजा वडिंग अपनी विरोधी उम्मीदवार हरसिमरत कौर के जद्दी गांव बादल में जाकर भी एक विवाद खड़ा कर चुके हैं। कांग्रेस की टिकट मिलने की घोषणा होते ही राजा वडिंग बादल के एक गरीब परिवार में गए थे। खाना खाने के बाद राजा वडिंग ने रात भी उस परिवार के साथ गुजारी थी। सुबह चलते समय राजा वडिंग ने परिवार के मुखिया को 5,000 रुपए दे दिए थे। राजा वडिंग के इस काम की भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। चुनाव आयोग के पास पूरी घटना की शिकायत भी हुई। चुनाव आयोग ने शिकायत पर संज्ञान भी लिया है। विवादों के साथ राजा वडिंग का पुराना नाता है। पिछले साल राजा वडिंग राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए श्रीगंगानगर जिले में गए थे। प्रचार के दौरान राजा वडिंग ने बुजुर्गों को खांसी की दवा के लिए पंजाब आने के लिए आमंत्रित कर दिया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राजा वडिंग का शमशान घाट वाला बयान भी सोशल मीडिया पर छाया रहा था। इस तरह के व्यवहार के कारण ही पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल सिंह खैरा राजा वडिंग को गैर जिम्मेदार राजनेता कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।